गुजरात में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। पार्टी के नेता भूपत भयानी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। विधायक पद से अपना इस्तीफा गुजरात विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को सौंप दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की जीती हुई 5 सीटों में से अब सिर्फ 4 सीटें ही बची हैं। इस्तीफा देने के बाद भूपत भयानी ने मीडिया को बयान दिया है कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला ले लिया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा, मैंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं और लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पहले बीजेपी का कार्यकर्ता था। मैंने 22 साल तक बीजेपी में जमीनी स्तर तक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद मैंने फैसला लिया। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि भूपत भयानी ने 2022 का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के विसावदर सीट विधायक के रूप में जीता था। वो 2022 में बीजेपी के लिए जॉइंट किलर बन गए। उन्होंने सरपंच से लेकर विधायक तक का राजनीतिक सफर तय किया है। भूपत भयानी 2017 तक बीजेपी में थे। हालांकि 2022 में उन्होंने अब से विधानसभा चुनाव लड़ वो सबसे पहले चुनावगढ़ जिले के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि भूपत भयानी को सरपंच पद से निलंबित भी कर दिया गया था। भूपत भयानी को पूर्व सीएम विजय रूपाणी का करीबी नेता माना जाता है। भूपत भयानी का जाना लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए काफी बड़ा झटका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के विधायकों की संख्या अब घटकर 4 रह गई है। विवाह स्तर सीट खाली होने के कारण यहां दोबारा चुनाव होगा, जिसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विधानसभा सीट पर भी 6 महीनों में चुनाव होंगे। खैर, इसी के साथ सूत्रों के हवाले से खबर दी गई है कि विधायक उमेश मलिक वार्ड गरियादर से विधायक सुधीर वाघानी भी जल्दी इस्तीफा दे सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो लोकसभा चुनाव से आपके पास 2 ही विधायक बच पाएंगे। गुजरात में पूरा नकली कांड चल रहा है। सरकारी कचेरियां नकली, आईपीएस ऑफिसर नकली, डीवाईएसपी नकली, एमएलए नकली, सरकारी दफ्तर नकली। ये नकली कांड दबाने के लिए भाजपा ने हमारे जो 5 विधायक हैं उसमें से हर रोज उनको दबाव डालते थे। चेतर भाई वसावा को उन्होंने झूठे केस में अंदर करने की कोशिश की। उनकी वाइफ जो आदिवासी बेटी है, आदिवासियों के लिए लड़ी है, उनको तकरीबन 1.5 महीने से जेल में रखे हैं भाजपा। आपने देखा होगा कि भाजपा कहीं पे भी पहुंच नहीं पाई। 1 साल से चुनाव जीतकर 5 MLA मेरे विधायक आए, भाजपा के पास 156 है। वो अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, उन पर उनको विश्वास नहीं है। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है और जिस तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाकर रखी है, 2027 में सरकार आम आदमी की बनेगी ऐसा माहौल बन रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को विचारधारा को खत्म करने के लिए भाजपा ने आज पूरे 1 साल से मेरे 3 MLA को, 5 MLO को हर तीसरे दिन चौथे दिन ऑफर करते थे कि 2 रेडी आ जावे, लेकिन कोई रेडी नहीं हुआ। इसलिए आज एक विसावदर के MLA को उन्होंने रिजाइन करवाया। मैं विसावदर की जनता से माफी मांगता हूं कि हमारी कहीं गलती हो गई कैंडिडेट देने में, लेकिन अगली बार हम ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भाजपा का षड्यंत्र है, उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी। भाजपा जिस तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहती है ताकि कोई करप्शन पर सवाल न करे, नकली पर सवाल न करे, पेपर लीक पर सवाल न करे, ब्रिज टूटने पर सवाल न करे, और इसलिए भाजपा ये सब मुद्दे दबाने के लिए आम आदमी पार्टी के चंद 5 तरह सभ्य थे, लेकिन 41 लाख वोट मिले हैं उन जनता को कैसे तोड़ पाएगी भाजपा। और दूसरे 4 MLA मेरु पर्वत की तरह अड़िखम है और वो नहीं टूटे, इसलिए इनको रिजाइन दिलाया। फिर से चुनाव होगा विसावदर, फिर से आम आदमी पार्टी अच्छा उम्मीदवार देगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि विसावदर की जनता हर हमेशा भाजपा के विरोधी रही है। आपको ताजुब होगा कि यही विसावदर की जनता ने जो कांग्रेस का MLA भाजपा में चला गया था उसको फिर से टिकट मिली तो रिजाइन कर इनको हरा दिया। तो इस तरह से भाजपा के खिलाफ की वहां पे जनता है, और इसलिए लोकसभा में आम आदमी कमजोर दिखे ये प्लान भाजपा का है, लेकिन गुजरात की जनता में रोष है। गुजरात की जनता भाजपा की इस चाल से नफरत करती है।
गुजरात की जनता कहती है कि आप नकली बंद नहीं कर सकते, पेपर लीक बंद नहीं करते, कर सकते हैं, और विपक्ष को या तो जेल में डालते हैं या तो रिजाइन करवाते या तो जोड़ते हैं। तो इससे खफा है और मुझे लगता है कि गुजरात की जनता आने वाले दिनों में जवाब देगी। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।